कितनी इनोसेंटों की किलिंग उन्होंने की, लातेदाद लाशों को ढेर कर दिया। कश्मीर में अगर एट्रोसिटीज़ हुई है वो ऑनली बाय पाकिस्तान टेररिज्म हुई है, हम उनको इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आई अर्ज ऑल कम्युनिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, इनको स्टॉप करो ये फंडिंग जो ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसको क्या हाल बना रखा है, हम उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करते हैं, हम उनकी भी वॉइस है और वो हमारा हिस्सा है। हमारे POJK के लोगों के साथ पाकिस्तान इतनी दहशत करे और इतना जुल्म और सितम करे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आप देखिए ना कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूथ कितनी अच्छी राह पर चल रहा है। हमारी यूथ तो ओनली एंग्री फॉर पीस है। यू कांट बिलीव कि पिछले 2-3 साल से फॉरिनर्स भी कश्मीर घूमने के लिए आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को मैंने अपील की है, हाउ टू डिस्ट्रॉय countless lives, पाकिस्तान टेररिज्म इन आवर कश्मीर। कितनी इनोसेंटों की किलिंग उन्होंने की, लातेदाद लाशों को ढेर कर दिया। और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनज है लाइक जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, उन ऑर्गेनाइजेशनों की वजह से हमारा कश्मीर बर्बाद हुआ है, हमारे कश्मीर लहूलुहान हुआ है। वर्ल्ड मस्ट नो कि कश्मीर में अगर एट्रोसिटीज़ हुई है वो ओनली बाय पाकिस्तान टेररिज्म हुई है, हम उनको इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हद हो चुकी है उनको सहने की, अब हम हर प्लेटफॉर्म पर उनको एक्सपोज करते रहेंगे। उनके ये फेक ड्रामे अब और नहीं चलेंगे। वो कभी हमारी कश्मीर की घाटी को निशाना बनाते तो कभी जम्मू को। अभी लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जम्मू ज्यूरिडिक्शन में कितना टेररिज्म फैला दिया है, कितनी दहशत अब वो फैला रहे हैं, कितना हम सहेंगे, लेकिन हम उनको काउंटर करते रहेंगे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर भारत पे हमेशा अटैक करते रहता है, लेकिन वहाँ खुद POK और गिलगित बल्तिस्तान का हालत क्या है, आप दुनिया को साझा करें कि वहाँ खुद के हालात कितने ख़राब हैं। असल में पाकिस्तान इसीलिए ये प्रोपेगेंडा कर रहा है क्योंकि उनको पता है वो वायलेशन का गढ़ है खुद, और पाकिस्तान को इंडिया की तरक्की रास नहीं आती है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि पाकिस्तान का नामो निशान किसी भी प्लेटफॉर्म पे है नहीं, और पाकिस्तान सिर्फ वायलेशंस के लिए बना है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है टेररिज्म को, तो इसीलिए वो पीछे हो गया। मैं पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आई अर्ज ऑल कम्युनिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, इनको स्टॉप करो ये फंडिंग जो ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे अच्छा था अगर ये अपने देश को बढ़ाने के लिए वो फंडिंग इस्तेमाल करते, उनको मिलियनज एंड बिलियनज में वो फंडिंग आती है, बट जा कहाँ रही है वो, या तो उनके फौज पर या तो ऐसे पर, उन्हीं चीज़ों पर वो इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए ना गिलगित बल्तिस्तान और उन पश्तूनों को, सिंध को क्या हालत बना रखी, इस्पेशली हमारे POJ की, जो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसको क्या हाल बना रखा है। हम उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करते हैं, हम उनकी भी वॉइस है और वो हमारा हिस्सा है। अगर उनको कोई ताकत नहीं है उनको पालने की, हमें वो अपना हिस्सा छोड़ दे, हम उस हिस्से को वापस लेना चाहते हैं। हम उनके लिए भी उतनी ही जदोजहद करेंगे जितना हम अपने लिए कर रहे हैं। आई एम डिफेंडर ऑफ टेरर विक्टिम्स, लेकिन मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी हमारे POJK के लोगों के साथ पाकिस्तान इतनी दहशत करे और इतना जुल्म और सितम करे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आटे के लिए तरसे, वो एक खाने की निवाले के लिए तरसे, उनको हम मोस्ट वेलकम कर रहे हैं कि आप रेडी हो जाओ, हम रेडी हैं आपको इंडिया के साथ मिलाने के लिए। ठीक है मैम, अब भारत की अगर बात करें तो आप जानती हैं अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? माशाल्लाह ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप देखिए, यही तो मतलब भारत की डेमोक्रेसी है कि आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से अमन अमान से पीसफुली हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं।
यूथ भी उसमें हिस्सा ले रहा है। हमारा यूथ अब पूरा बदल चुका है, जो उनका माइंड पाकिस्तान ने काउंसलिंग कर करके स्टोन पेल्टर्स बनाए थे, पता नहीं क्या क्या टेक दिए थे, हाथ में गन थमा दिए थे। अभी आप देखिए ना कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूथ कितनी अच्छी राह पर चल रहा है। हमारी यूथ तो ओनली एंग्री फॉर पीस है, एंग्री फॉर डेवलपमेंट है। वो नहीं चाहते कि अब हम पाकिस्तान की बंदूक की नोक इधर कश्मीर में कभी भी देखें। पूरा यूथ अब रेडी हो चुका है उनको काउंटर करने के लिए। हम उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर अपने कश्मीर में उनको एक कदम भी नहीं रखने देंगे। हमारी मिट्टी है, हमारा वतन है और हमारा फ़र्ज़ है। हमारा इस्लाम सिखा रहा, हमारा दीन सिखा रहा, अपनी वतन की मिट्टी की हिफाजत करो। और हम अपने वतन की मिट्टी की हिफाजत करने के लिए बैठे हैं। हम किसी दुश्मन को क्यों उसमें घुसपैठ करने देंगे कि जो हमारे कश्मीर को लुहान करेगा। हम ऐसा उनको कभी भी नहीं करने देंगे। भारत 1970 हटने के बाद कश्मीर में क्या बदलाव देखने को मिला है? सबसे बड़े बदलाव तो ये आया है मिलने को कि हमारा यूथ खुश है। हमारे यूथ को जो आए दिन स्ट्राइकर्स होते थे, आज फलानी जगह चलो, कल उधर चलो, आज आपको स्कूल बंद करने, आज कॉलेज नहीं जाना है, आज ड्यूटी किसी को नहीं जाना है, उससे तो हमें छुटकारा मिला है। अमन अमान है, कश्मीर डेवलपमेंट की तरह आगे बढ़ रहा है। अब पहले तो वो सब कुछ उजड़ रहा था, एक हंसता खिलता बाग को पहले वो उजाड़ रहे थे पाकिस्तानी, कैसे वहाँ पर वायलेशंस क्रिएट कर रहे थे ह्यूमन राइट्स के। आप देख रहे अभी हमारे बच्चे फोकस कर रहे ऑनली पढ़ाई पर, ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे, प्रिपरेशंस बड़े बड़े एग्ज़ामों के लिए कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, माशाल्लाह इंटरनेशनल गेम्स पे खेलने जा रहे हैं और बहुत अच्छे से अभी अमन अमान से सब कुछ चल रहा है। मैम, आप डेवलपमेंट की बात की तो टूरिज्म के सेक्टर की अगर बात करें तो कितना बेहतर हुआ है टूरिज्म सेक्टर? यू कांट बिलीव कि पिछले 2-3 साल से फॉरेनर्स भी कश्मीर घूमने के लिए आ रहे हैं और माशाल्लाह हमारे कश्मीर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक फैसिलिटी करके रखी है। हर एक फैसिलिटी, जैसे रोड कनेक्टिविटी में आज जहां घंटों का सफ़र लगता था आज मिनटों में लगता है, और स्पेशली पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव एक लिया है कि उनके लिए ई बसेस रखे हैं, जिनसे उनको बिल्कुल आसान होता है सफ़र भी तय करना और माशाल्लाह बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है सफ़र करने में। और टूरिज़्म भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारे कश्मीर की इकॉनमी भी बढ़ गई है। और हर एक वो जो डिवेंडर्स बैठते थे उनके लिए कम से कम अभी रोज़गार मिल गया है और हर एक अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है, बिज़नेस चला रहा है। माशाल्लाह हमारा कश्मीर अब खुशियों से खिल रहा है, मैं तो ये कहूँगी। मैम, अगर कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करें तो अब महिलाओं की योगदान को, उनके रोल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे लगता है आपके सामने तो मैं एक बड़ी एग्जाम्पल हूँ कि कश्मीर की आवाज़ अब दब नहीं रही है। कश्मीर की वमेन को बहुत ही एम्पावर्ड है, अभी खुद घरों से निकल के हर काम करती है। जो हमें अभी लग रहा है इस दौर में कश्मीर में जेंडर इक्वलिटी है, अगर हम बात करें तो कश्मीर में अभी यूनाइटी है। कश्मीर में हम वो काम कर रही है एक लड़की जो एक लड़का भी कर रहा है। यही तो हमारी इंडिया की मिसाल है कि पाकिस्तान की लेडीज़ों को बेचारियों को कुछ भी नहीं ऐसा मिल रहा है, वो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते। उनको हर उस जो आर्मी डिसीजन वहाँ